आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। सारा काम करते करते तो तुम थक जाओगी। तुम पर मीरा की पढ़ाई का भी तो बोझ है, फिर तोलू मोलू विद्या उन्हें भी तो संभालना है। यदि तुम सारे काम खुद के सर ओढ़ लोगी तो फिर राशि को और स्वतंत्रता मिल जाएगी, और यदि ऐसे ही चलता रहा तो अनजाने में ही सही, कुछ भी गलत हुआ तो उंगलियां तुम पर उठेगी गोपी वो, और ये मैं कतई नहीं चाहूंगी। बताइए मोटा भाभी, क्या मैं गलत कह रही हूं? साथ निभाना साथिया। जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण। बताइए। ये लॉन्ड्री का बिल है और ये दूध का बिल। भाई शायद राशि बेन ने आपको ये पैसे दे दिए होंगे। नहीं दे भाभी, नहीं दे। क्या बात है गोपी दीकर? काकी जी दूध वाले और ये स्त्री वाले भाई आए बिल लेकर, पर पैसे तो राशि बेन के पास है। मैं सोच रही थी कि मैं राशि बेन को फोन लगाकर पूछती हूँ कि वो घर कब तक लौट आएंगे। राशि ये फोन वोन छोड़ दे, खाना आ गया है। क्या पता नहीं, शायद राशि बेन व्यस्त होंगी, फोन नहीं उठा रही। गोपी बहू राशि पैसे मुझे देकर गई है। गॉड ब्लेस मी। मम्मी ये नहीं बोलते, एक्सक्यूज मी बोलते। वो राखी लो, मुझे पर्स के अंदर देखो, ऐसे ही नहीं है। चुप! What happened, राशि? Any problem? नाना, वो तो इतने महंगे बटुए का भाव सुनकर ही मैं चौंक गई। अब आपके पास पैसे हैं क्या? नहीं, सारे पैसे नहीं। आता तुझे चाबियां मत लौटा। मम्मी प्लीज इस वक्त चाबी के बारे में रोना लेकर मत बैठो। देखो कैसे भी करके हमें पैसे तो देने ही पड़ेंगे। मम्मी अगर पैसे नहीं दिए तो सोचो कितनी बेइज्जती होगी, और अब पता है ऐसे में ये लोग हमसे बर्तन धुलवाएंगे। देखो अगर नहीं दे पाए ना तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा उसमें। मुझे कुछ सोचने दे। खाने में बाल मिला। बाल आ जाओ।
जान तो चाहिए। मैडम ये प्लेट तो खाली है और कुछ बचा ही नहीं खाने के लिए, बाल कैसे? तो क्या मैं बाल भी खा जाऊं? हाँ चल बुला अपने मैनेजर को। जी मैम। जी मैडम क्या? हाँ आपकी थाली में खाने में बाल था, ये देखो बाल। इतना लंबा? लेकिन हमारे शेफ के बाल तो छोटे छोटे कटे हुए हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपने बाल तोड़ के डाले? छी, ना गंदा होटल है ये। चल राशि, इनकी शिकायत हम मीडिया में करेंगे, होटल बंद करवा के रख देंगे, तब अकल आएगी इनको। हाँ। नहीं नहीं मैडम प्लीज, आप ऐसा कुछ मत करिएगा। सॉरी मैम सॉरी प्लीज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देखिए ना, हम कस्टमर्स की तकलीफ को समझते हैं मैम, प्लीज मैम, वी आर रियली सॉरी मैम। देखिए मैम, लंच का बिल कैंसिल हुआ, वो अब हम पर रहा, आपको ये बिल नहीं देना है मैम। अरे वाह, तू क्या हमको भिखारी समझता है कि हमारे पास पैसे नहीं है? हमको मुफ्त का खाना खिलाएगा? वी रियली सॉरी मैम। इट्स ओके। ओके ओके। पर माँ जी, राशि बेन ने आपको पैसे दिए नहीं, मैंने ले लिए। आज सुबह जब राशि ने तुमसे ये कहकर तिजोरी की चाबियां मांगी थी कि वो अनाथाश्रम जा रही है, तो मैं उसके कमरे में गई थी। काकी जी आप? राशि इसे लो, इसमें कुछ कपड़े हैं, मैंने सोचा कि तुम अनाथाश्रम जा रही हो तो ये कपड़े बच्चों के काम आएंगे, उन्हें दे देना। हेलो राशि, एक बात कहनी। क्या है मम्मी? मैंने आपसे कहा ना, देखो आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होटल में जा रही हूँ, मेरी ट्रीट है। राजकोट का सबसे बेस्ट होटल है वो, तो आपको जल्दी आना है, टाइम पे आ जाना, समझी? बाय, अब फोन रखो। दरअसल वो अपनी सहेलियों के साथ और उर्मिला बेन के साथ होटल में दोपहर का खाना खाने गई हुई है, हम सबसे झूठ बोलकर कि वो अनाथाश्रम जा रही है। क्या राशि बेन ने ऐसा किया? राशि ने ऐसा ही किया है और इसीलिए मैंने पैसे निकाल लिए, ताकि उन पैसों का सही मायने में सदुपयोग कर सकूं। पर कोकिला, कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है। मोटा भाभी, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ 100% सच कह रही हूँ। मैं आपको वो कपड़े भी दिखा सकती हूँ, आइए। मम्मी, थैंक यू सो मच, आज आपने मुझे बचा लिया। यहाँ बाहर तो मैंने तुझे बचा लिया, पर घर में कौन बचाएगा? मतलब राशि, तुझे क्या लगता है तेरे बटुए में से पैसे ऐसे ही गायब हो गए? किसी ने जानबूझ के पैसे निकाले हैं, ये किसी की चाल है। मम्मी, लेकिन ऐसा कौन करेगा? जो दिख रहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देख होता है क्या। चाबी वापस करके तूने अपनी मुसीबतों को खुद न्योता दिया, ये तूने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। आठ मिस कॉल्स, वो भी घर से। अब मैंने चाबी तो दे दी है, अब इन लोगों को मुझसे क्या काम है? यही है
है वो कपड़ों से भरा बैग जो मैंने राशि को दिया था और कहा था कि तुम अनाथ आश्रम जा रही हो तो वहां के बच्चों के काम आएंगे ये कपड़े। अपनी आंखों से आप देख लीजिए, ये बैग यही पड़ा है और राशि चली गई। मोटा भाभी, वो ये बैग क्यों लेकर जाती? क्योंकि वो अनाथ आश्रम गई ही नहीं है, राशि फिर से पुराने रास्ते पर चल पड़ी है। मौके का फायदा उठाना, झूठ बोलना और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना, यही तो करती आई है वो। और सब कुछ जानते बूझते मैं उसे ऐसा कतई नहीं करने दूंगी, क्योंकि ये गलत है। और ये क्या बात हुई मोटा भाभी कि यूं अचानक अपनी जिम्मेदारियों से हाथ उठा लेना? घर की एक बहू काम पर काम करती जाए और दूसरी बहू झूठ बोलकर इस तरह से मजे करे, ये उचित बात नहीं है। गोपी बहू घर का सारा काम अकेले हाथ करे। सारा काम करते करते तो तुम थक जाओगी, तुम पर मीरा की पढ़ाई का भी तो बोझ है, फिर तोलू मोलू विद्या उन्हें भी तो संभालना है। यदि तुम सारे काम खुद के सर ओढ़ लोगी तो फिर राशि को और स्वतंत्रता मिल जाएगी, और यदि ऐसे ही चलता रहा तो अनजाने में ही सही, कुछ भी गलत हुआ तो उंगलियां तुम पर उठेगी गोपी वो, और ये मैं कतई नहीं चाहूंगी। बताइए मोटा भाभी, क्या मैं गलत कह रही हूं? गोपी दिख रहा, काम का बंटवारा तो करना ही होगा, इतनी बड़ी बात को तुम हल्के में नहीं ले सकती। अरे बीजी बात गोपी वो, राशि को तुम अपना फायदा उठाने मत दो, उसके साथ सख्ती से पेश आओ, उससे भी काम सौंपो, उससे भी काम लो। जी बाजी, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और इस बात का मैं ध्यान रखूंगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।